श्रीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खाकी ने अवैध असलों की तस्करी का भंडाफोड़ कर दो अंतर्राज्यीय असला तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचे व कारतूस खाकी के हाथ लगे हैं। साथ ही असला तस्करी करने के उपयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्यवाही की है। मामला महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस व स्वाट टीम ने श्रीनगर कस्बे के बिल्खी तिराहा मंदिर के पास से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 315 बोर के 5 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल सहित नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से असला तस्करी करने में उपयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीओ चरखारी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस व स्वाट टीम ने श्रीनगर कस्बे के बिल्खी तिराहा मंदिर के पास से दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। दोनों ही अभियुक्त काफी समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से अवैध असले खरीद कर बेचते थे। अभियुक्तों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये देखिए, श्रीनगर में एक सूचना प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अवैध तमंचा का के कार्य में, उसको बनाने, उसको बेचने में लगा हुआ है। इसके ऊपर पैनी नगर नजर रखी जा रही थी और कल इस व्यक्ति को अपने साथी के साथ 5 तमंचों के साथ और कुछ जिंदा कारतूस के साथ जो है पकड़ लिया गया है और इसको जो है पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इनका एक साथी और है जिसको कि अभी पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। इस तरह से एक बहुत अच्छा जो है कार्य व श्रीनगर पुलिस व सर्वेलेंस टीम महोबा द्वारा किया गया है। देखिए, इनसे जो अभी पूछताछ की गई है उसमें ये लोग अभी रिसेंट में ही इस तरह की हरकतों में आए हैं। इसके अंदर जो एक व्यक्ति जो अभी हमें जिसको ढूंढ रहे हैं, छतरपुर का निवासी है, वह मेन है। वह जो है वो यंग लोगों को इसमें शामिल करते हुए उनसे इस तरह के काम कराता है, जिसको अभी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। जल्दी ही उसको पकड़ा जाएगा।